दुनिया में जहां जहां मेरी आवाज सुनी जा रही है उन सबको आदाब के साथ मेरा सलाम। बहुत सारी खुशियों और ढेर सारी दुआओं के साथ एक पैगाम। जी हाँ, वही बात एक नए अंदाज में। पंजाब का दुपट्टा। जब आदमी मेरी उम्र को पहुंचता है तो वो अपनी विरासत आने वाली नस्ल को देकर जाने की कोशिश करता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान बदकिस्मती से साथ ही समेट कर ले जाता है। मुझे अपनी जवानी के वाकयात और इससे पहले की जिंदगी के हालात मुख्तलिफ टुकड़ियों में मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब वो आपके हवाले कर दूँ। हालांकि इसमें तारीखी नौयत का कोई बड़ा वाकया आपको नहीं मिलेगा, लेकिन माशरती जिंदगी के पहलू सामने आएंगे। अगर माशरती जिंदगी को बनजरे आज देखा जाए तो इसमें हमारी सियासी जिंदगी के बारे में बहुत से पहलू नुमाया नजर आएंगे। आज से कोई 20-22 बरस पहले की बात है, मैं किसी सरकारी काम से हैदराबाद गया था। सिंध में मुझे तकरीबन एक हफ्ते के लिए रहना पड़ा, इसलिए मैंने अपनी बीबी से कहा कि वो भी मेरे साथ चले। चुनाचा वो भी मेरे साथ थी। 2 दिन वहाँ गुजरने के बाद मेरी तबीयत बेचैन हो गई। मैं अक्सर इस हवाले से आपकी खिदमत में बाबाओं का जिक्र करता हूँ। मैंने अपनी बीवी से कहा कि भट शाह शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्ला का मज़ार यहाँ करीब ही है, आज जुमेरात भी है, इसलिए आज हम वहाँ चलते हैं। वो मेरी बात मान गई। मेज़बानों ने भी हमें गाड़ी और ड्राइवर दे दिया क्योंकि वो रास्तों से वाकिफ था। हम मज़ार की तरफ रवाना हो गए। जो जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का मज़ार करीब आ रहा था, मुझ पर एक अजीब तरह का खौफ तारी होने लगा। मुझ पर अक्सर ऐसा होता है। मैं इल्म से इतना मुतासर नहीं हूँ जितना कैरेक्टर से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है, किरदार बड़ी चीज़ है। इसलिए साहिबान किरदार के करीब जाते हुए मुझे बड़ा खौफ आता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत से लोग एक मेले की सूरत में इनके मज़ार के बाहर मौजूद थे, घूम फिर रहे थे। हम मियाँ बीवी काफ़ी मुश्किल से मज़ार के सहन में दाखिल हुए। बहुत से लोग वहाँ बैठे हुए थे और शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का कलाम सुना रहे थे। इस कलाम में जब शाह की शायरी में मौजूद एक ख़ास टुकड़ा आता तो सारे साजिंदे चौकस होकर बैठ जाते और गाने लगते। कलाम में ये ख़ास टुकड़ा इस कदर मुश्किल और पेचीदा है कि वहाँ के रहने वाले भी कम ही इसका मतलब समझते हैं, लेकिन इसकी गहराई जमाने के साथ साथ खुलती चली जाती है। हम भी वहाँ एक दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। वहाँ काफ़ी रश था। कुछ लोग ज़मीन पर लेटे हुए थे, औरतें मर्द सभी, और कुछ बैठे कलाम सुन रहे थे। हम भी जाकर बैठ गए। जब शाह की वाई मखसूस टुकड़ी शुरू हुई तो एक खादिम धात के बड़े बड़े गिलासों में दूध डालकर तकसीम करता, और रस्म है वहाँ की कि जब वाई पढ़ते हैं तो दूध तकसीम किया जाता है। गिलास बहुत बड़े बड़े थे लेकिन इनमें तोला 1.5 तोला दूध होता। जब इतना बड़ा गिलास और इतना सा दूध लाकर खादिम ने मेरी बीवी को दिया तो इसने दूध लाने वाले की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर झांक कर गिलास के अंदर देखा। मैंने इससे कहा कि दूध है, पी लो। मैंने अपने गिलास को हिलाया
और मेरे ग्लास के अंदर दूध में एक तिनका था। मैं इस तिनके को नज़रअंदाज करता, लेकिन तिनका फिर घूम घूम कर सामने आ जाता था। मैंने फैसला किया कि मैं दूध को तिनके समेत ही पी लेता हूँ। चुनाचा मैंने दूध पी लिया और अपनी बीवी से कहा कि आप भी पिए, ये बरकत की बात है। खैर, उसने ज़बरदस्ती जोर लगा कर पी लिया और करीब बैठे हुए एक शख्स से कहा कि आप हमें थोड़ी सी जगह दें। इस शख्स की बीवी लेट कर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इस शख्स ने अपनी बीवी को ठोंका दिया और कहा कि मेहमान है, तुम अपने पांव पीछे करो। मेरी बीवी ने कहा कि नहीं नहीं, इसको मत उठाएं। लेकिन इस शख्स ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। इसकी बीवी ज़रा सिमट गई और हम दोनों को जगा दे दी। इंसान का खासाया ये है कि जब इसको बैठने की जगह मिल जाए तो वो लेटने की भी चाहता है। जब हम बैठ गए तो फिर दिल चाहा कि हम भी आराम करें और मैं आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ पांव पसारने लगा। फर्श बड़ा ठंडा और मज़ेदार था, हवा चल रही थी, मैं नींद दराज हो गया। मेरी बीवी ने थोड़ी देर के बाद कहा कि मैं ज़रा चक्कर लगा कर आती हूँ, क्योंकि ये जगह तो हमने पूरी तरह देखी ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, वो चली गई। 10-15 मिनट गुजर गए तो वो वापस ना आई, तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं गुम ही ना हो जाऊं, क्योंकि पेचीदा रास्ते थे और नई जगह थी। जब वो लौट कर आई तो बहुत परेशान थी, कुछ घबराई हुई थी, इसकी सांस फूली हुई थी। मैंने कहा खैर है? कहने लगी, आप उठें, मेरे साथ चलें, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैं उठकर इसके साथ चल पड़ा। वहाँ रात को दरबार का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और ज़ायरीन बाहर बैठे रहते हैं। सुबह जब दरवाज़ा खुलता है तो फिर लोग दुआएं वगैरह मांगना शुरू कर देते हैं। जब हम वहाँ गए तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आप इधर आएं। शाह रहमतुल्ला के दरवाजे के ऐन सामने एक लड़की खड़ी थी। इसके सर पर जैसे हमारा दस्तरखान होता है, इस साइज की चादर का टुकड़ा था और इसका अपना जो दुपट्टा था वो इसने शाह के दरवाजे के कुंडे के साथ गांठ देकर बांधा हुआ था और अपने दुपट्टे का आखिरी कोना हाथ में पकड़े खड़ी थी। खामोश थी, खामोशी के साथ खड़ी थी। इसे आप बहुत ही खूबसूरत लड़की कह सकते। इसकी उम्र कोई 16, 17 या 18 बरस होगी। वो खड़ी थी, लेकिन लोग एक हल्का सा बनाकर इसे थोड़ी सी आसाइश अता कर रहे थे ताकि इसके गिर झमघट्टा ना हो। कुछ लोग जिनमें औरतें भी थीं, एक हल्का सा बनाए खड़े थे। मैंने कहा, ये क्या है? मेरी बीवी कहने लगी, इसके पांव देखें। जब मैंने इसके पांव देखे तो आप यकीन करें कि कोई 5-7 किलो के इतना बड़ा हाथी का पांव भी नहीं होता, बल्कि ऐसे थे जैसे सीमेंट, पत्थर या ईंट के बने हुए हों। हालांकि लड़की बड़ी धान पान की और दुबली पतली सी थी। हम हैरानी और डर के साथ इसे देख रहे थे तो मुंह ही मुंह में कुछ बात कर रही थी। वहां एक सिंधी बुजुर्ग थे, हमने इनसे पूछा कि आखिर ये मामला क्या है। इसने कहा, साई क्या अर्ज करें, ये बेचारी बहुत दुखियारी है। ये पंजाब के किसी गांव से आई है और हमारे अंदाजे के मुताबिक
मुल्तान या भावलपुर से है? फरीदा जलान, हमेशा आपके साथ।